हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग, इट्स नॉट गोना बी अ ब्लॉग काइंड ऑफ ब्लॉग, इट्स मोर लाइक ए स्टोरी टेलिंग। सो एक्चुअली मैं रिसेंटली अगरतला का डेंटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे गई थी ऐसे ही नॉर्मल दांत चेकअप करवाने के लिए। फिर वहाँ पे जाके कुछ ऐसा कांड हुआ कि लाइक मेरे को मेरा दांत एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ा। मैं एक्चुअली बहुत ही दांत कॉन्शियस पर्सन हूँ, मतलब मैं अपने दांतों का हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो प्रॉब्लम ये होता था कि मैं जब भी खाना खाती थी तो हमेशा मतलब इस साइड का एंड पे खाना अटक जाता था, तो इसलिए बहुत इरिटेशन फील होता था। दो कुछ पेन वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं होता था, बट ये एक इरिटेटिंग सा लगता था मुझे। तो इसलिए मैं ये दिखाने के लिए चली गई अगरतला गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज पे, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। फिर वहाँ पे जाके मैं जब अपना ये प्रॉब्लम शेयर करती हूँ डॉक्टर के साथ, फिर डॉक्टर मेरे को एडवाइस करता है कि एक एक्सरे करवा लो। तो एज़ यूजुअल मैं एक्सरे करवा लेती हूँ। फिर जब एक्सरे का रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि आई एम हैविंग 3 इम्पैक्टेड विजडम टूथ, मतलब कि विजडम टूथ जो मतलब निकला नहीं है गम से प्रॉपरली, मतलब अंदर ही है गम के। तो ये एक्चुअली 3 विजडम टीथ क्या कर रहा है कि मेरे जो दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको पुश कर रहा है, एंड मोर ओवर लाइक वो फूड पार्टिकल स्टोर कर रहा है, मतलब एक साइड में वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। फिर डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि दांत एक्सट्रैक्ट करवाना ही ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज जो एडजेसेंट दांत है उसका हेल्थ को वो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कैविटी फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो विजडम टूथ को निकालना ही मतलब बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो एज यूजुअल डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि तुम इस स्टेट पे आओ सो दैट वो लोग मेरा ये दांत रिमूव कर एक्सट्रैक्ट कर सकें। आफ्टर दैट वो लोग जो डेट देते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही जाती हूँ एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, और वो लोग ऑलरेडी बोल के दिए थे कि साथ में किसी को लेके आना। फिर मैं एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए बैठती हूँ, एंड इट टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 2-45 मिनट्स। तो वहाँ पे लोकल एनेस्थीशिया दिया गया था एक्सट्रैक्शन का जगह पे, बट मैं ना पूरा फोर्स फील कर पा रही थी, जो मतलब डॉक्टर पूरा फोर्स से खींच रहे थे, मतलब बहुत ही मतलब मैं नर्वस भी हो रही थी, बट मतलब वो सिचुएशन मतलब बोलने वाला लायक नहीं है। तो फिर एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद मैं घर आती हूँ, और उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके रखी हूँ, सो दैट आप लोग भी देख पाए क्या क्या होता है आफ्टर विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। क्योंकि मैं भी एक्सट्रैक्शन के पहले बहुत सारा वीडियोस देख के ही रेफरेंस लिया था, सो दैट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन एंड क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेना है। तो देखिए, और ये रहा एक्सट्रैक्शन के तुरंत बाद वाला सीन। घर वापस आते ही मैंने कोल्ड कंप्रेस देना स्टार्ट कर दिया था। एक्सट्रैक्शन के पहले ही मैं फुल पेट खाना खा के गई थी, क्योंकि पता था ठीक से कुछ दिन खाना नहीं मिलने वाला है। तो डिनर में मुझे दिया गया है राइस विथ दाल, जो कि बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी में था, और देख ही सकते हैं मेरे को खाने में कितना दिक्कत हो रहा था, मतलब ठीक से माउथ ओपन भी नहीं कर पा रही थी मैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब नींद से उठती हूँ तब मैं देखती हूँ मेरा मुँह का हालत कुछ ऐसा है, पूरा स्वेलिंग होके रखा है मेरा मुँह। आफ्टर दैट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले एंड ब्रेकफास्ट के बाद कुछ मेडिसिन वगैरह था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया ओट्स, जो कि गर्म पानी के साथ बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी में मैंने प्रिपेयर करा था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ये माउथ वॉश दिया गया था ओरल हाइजीन ठीक ठाक रखने के लिए, बट हाँ मुँह ज़ोर ज़ोर से कुल्ला नहीं करना था, बस एक साइड से दूसरे साइड पर वो माउथ वॉश को लेके जाना था। बेसिकली आज है 3rd डे, तो जो बाल मैं उस दिन बना के गई थी आज वो उल्टा खोला, क्योंकि अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी पा रही हूँ, सो अभी मैं गरम सेक दे रही हूँ। सो आज मेरा 4th डे है, तो अभी थोड़ा बेटर हूँ। एज यू कैन सी स्वेलिंग भी बहुत कम हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया, और बात करने में भी थोड़ा कम दिक्कत हो रहा है। तो आज थोड़ा सॉलिड भी नहीं बोल सकती, मतलब सेमी सॉलिड फूड खाया मैंने, बट रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है,
मैं एक्चुअली ये सब के लिए प्रिपेयर्ड थी बिकॉज़ ये ऑपरेशन से पहले मैंने यूट्यूब में बहुत रिसर्च करा, मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखा और सब में वो बोल ही दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आई वॉज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एक्सट्रैक्शन के बाद मतलब 10 दिन बाद मुझे बोला गया था स्टिचेस कटवाने के लिए आने के लिए, तो फिर मैं जाती हूँ स्टिचेस कटवाने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने वीडियोस में देखा कि लोगों को बहुत पेन होता है, बट मेरे को ऐसा कुछ पेन फील नहीं हुआ। बस मैं एक दिन के लिए 2 पेन किलर खाई थी, अदरवाइज मेरे को पेन किलर का कुछ ज़रूरत ही नहीं हुआ था बिकॉज पेन था ही नहीं, मतलब ना के बराबर। और 10 दिन बाद मैं पहुंच जाती हूँ डेंटल कॉलेज पे स्टिचेस कटवाने के लिए, एंड ऑल्सो हीलिंग प्रोसेस ठीक ठाक हुआ है कि नहीं वो भी चेक करवाने के लिए। आफ्टर 10 डेज मैं जब जाती हूँ तो डॉक्टर पहले देखते हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, हीलिंग प्रोसेस ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, फिर इट वॉज ऑल गुड, फिर स्टिचेस काट के दिया एंड दैट्स इट, एक्सट्रैक्शन एंड ऑल डन। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पे बिकॉज बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, एंड डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे, वो लोग बहुत केयरफुली पेशेंट को हैंडल करते हैं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इज़ टू गुड, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ़ येस देन प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, कमेंट पे मेरे को ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।